नीतीश कुमार का संकल्प, बिहार को बनाएंगे चकाचक। घंटों में नहीं, मिनटों में आपका सफर होगा तय। 37 जिलों में बनाए जाएंगे बाईपास सड़क, 3 वर्षों में हो जाएगा निर्माण। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। ये है नया बिहार, नीतीश कुमार का बिहार, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार में बहार बा काहे कि नीतीश कुमार के सरकार बा। कई बार ये पंक्तियां विपक्ष को नागवार भी गुजरती हैं और कई बार तो ये दावा भी किया जाता है कि बिहार में आखिर काबा। लेकिन इस खबर के जरिए हम आपको न सिर्फ नए बिहार की नई रूपरेखा के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि राज्य को शिल्पी बन खुद गढ़ने वाले सीएम नीतीश कुमार ने कैसे तैयारी कर ली है और कैसे राज्य के 37 जिलों को चकाचक बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। दरअसल बिहार के 37 जिले समेत अन्य शहरों में बाईपास सड़क बनाने के लिए स्थल सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। 120 नए बाईपास का निर्माण अगले 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता के तहत राज्य में बाईपास और फ्लाईओवर निर्माण की तैयारी की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के समक्ष पथ निर्माण विभाग ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पूरी बातें रखी। 2 घंटे की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दे दिया है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुलभ संपर्कता के लिए शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपासों और फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाकर काम करें। साफ निर्देश दिया कि बाईपास पथों को अधिक से अधिक चौड़ा बनाएं, ताकि भविष्य की जरूरतें पूरी कर सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि कोई भी बाईपास 7 मीटर से कम चौड़ा नहीं होगा। शहर के अंदर भी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए आकलन कर उस पर कार्य करें, इससे यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगी, साथ ही समय की बचत भी होगी। बाईपास पथों के चयन में इस बात का ध्यान रखें कि भूमि अधिग्रहण कम से कम हो। मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रस्तुतीकरण कर शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवरों के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी। 37 जिलों में पथवार अध्ययन कर जाम लगने वाले स्थानों का चयन, जिलावार बाईपासों की संख्या तथा उनकी कुल लंबाई के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में ये भी कहा गया कि राज्य में जरूरत के हिसाब से फ्लाईओवर बनेंगे। बनने वाले बाईपास में अगर जमीन अधिग्रहण की समस्या होगी तो वैसे इलाकों में एलिवेटेड रोड बनाकर उसका बाईपास के रूप में उपयोग किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि बाईपास बनाने में कम से कम जमीन अधिग्रहण करना पड़े, निर्माण कार्य में समय ना लगे। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि जेपी सेतु के समानांतर नए 4-लेन पुल बनाने समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में तेजी से कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही दानापुर कैंट के बाईपास पथ का काम भी तेजी से हो। बहरहाल अगर 3 साल में भी ये काम पूरा हो जाता है तो यकीन मानिए बिहार कई मायनों में समर जाने वाला है। इन बाईपास और फ्लाईओवर के बन जाने से न सिर्फ लोगों की आवाजाही में दिक्कतें नदारद होंगी, बल्कि शहरों को नया रंग रूप भी मिलेगा। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने अपने चुनावी मंच से ये ऐलान किया था और कह दिया था कि इस बार अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो राज्य के विकास को गति देंगे। हो ना हो, अब वो अपने उसी संकल्प की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है कि बिहार में परियोजनाओं को गति मिलना और पूरा हो जाना किसी सपने के सच होने जैसा होता है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के इन 37 जिलों में बनने वाले 120 नए बाईपास का निर्माण क्या तय समय सीमा पर हो पाता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।